आज के उत्सव का महानतम आकर्षण महारानी सिंहिका पधार रही है। प्रणाम भ्राताश्री। कहाँ है वो दुष्ट मेरा बैरी, मेरा विरोधी? भाभी श्री को लेने गया है। वह इस उत्सव में आना ही नहीं चाहती थी, परंतु प्रहलाद चाहता है कि उसकी माता भी इस अनुपम दृश्य को देखे। अभी उन्हें लेकर आता ही होगा। सिंगिका, उसकी मृत्यु अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। इस बार वो बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा भ्राताश्री। आज आप अग्नि की लपटों का अद्भुत खेल देखेंगे। वही अग्नि जो मेरे शरीर को छू भी ना पाएगी, देखते ही देखते उसकी लपलपाती जीभ प्रहलाद के शरीर को चाट जाएगी। कुछ ही पलों में उसकी कोमल काया को वो राख में परिवर्तित कर देगी और वायु के झोंके उस राख को उड़ा ले जाएंगे। महारानी का याद हो, युवराज आह्लाद और राजकुमार प्रहलाद पधार रहे हैं। माते, मैं आपके चरण छूकर संसार के मातृत्व के चरण छू रहा हूँ। संसार की सारी माताएं पूज्य है, मुझे आशीर्वाद दीजिए माते। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। चिरंजीवी भव पुत्र। चलो पुत्र। वो घड़ी आ ही गई पुत्र, जिसकी तुम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे भी जीवन की अनमोल घड़ी, तुम्हारे जीवन की अद्भुत घड़ी पुत्र। जो भी इस चमत्कार को देखेगा भूल नहीं पाएगा, और जो भी इस चमत्कार की चर्चा सुनेगा सिहर उठेगा। रहते महाप्रलय तक आज की इस प्रदर्शनी की चर्चा रहेगी। चलो पुत्र। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
सर्वेश्वर, सर्वेश्वर। नारायण नारायण। हे देवर्षि, पुत्र प्रहलाद अग्नि में प्रवेश करने जा रहा है। ये देखकर मैं आपके नारायण को सावधान करने गई तो वो स्वयं अग्नि में तप रहे हैं, मानो उनके शरीर से ज्वालाएं निकल रही हैं। आप बहुत दयालु हैं माते, ममता का भंडार है। प्रहलाद के स्नेह ने तो आपको सब कुछ भुला दिया। क्या भुला दिया? यही माते, कि इस अवस्था में आपको इन्हें छूना नहीं चाहिए था। आपको तो याद ही होगा माते, इसी प्रकार इसी अवस्था में एक बार कयाद ने पुत्र प्रहलाद को छू लिया था, उसके तो हाथ भी जल गए थे। हाँ, मैं तो सचमुच व्याकुलता में भूल ही गई थी। माते, पुत्र प्रहलाद को जो मैंने योग ज्ञान दिया था वह मेरे नारायण की ही तो देन थी। जब उसे इस अवस्था में कोई नहीं छू सकता तो मेरे नारायण तो योगेश्वर हैं, योग का स्रोत है, योग का आधार है, योग के आदि और अंत हैं, स्वयं योग हैं। इस अवस्था में तो आपके अतिरिक्त उनके कोई निकट भी नहीं पहुंच सकता। परंतु हे देवर्षि, मैं तो इनको प्रहलाद पर आए संकट के विषय में बताना चाहती थी। वही समस्या लेकर तो मैं भी आया था माते, मैं भी यही बताना चाहता था। परंतु नारायण को इस अवस्था में देखकर लगता है कि मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। माते, मेरी तो सारी शंकाएं मिट गईं। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र, तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है? कैसा भय बुआश्री, मुझे तो आनंद आ रहा है। जैसे जैसे लपटे मेरी और बढ़ रही है, मुझे विचित्र सी शीतलता का अनुभव हो रहा है। लग रहा है जैसे शीतल जल की लहरें मेरे शरीर को छू रही हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Thank you.
सिंगिका, सिंगिका। प्रहलाद श्री, प्रहलाद के विष्णु ने मुझे भस्म कर दिया। किंतु ये कैसे हुआ? तुम्हें तो अग्निदेव ने वरदान दिया था, ये कैसे हो गया? प्रहलाद की मायावी शक्तियों ने अग्निदेव के वरदान का बात दे दी। किसके मंत्र की शक्ति के आगे वरदान की शक्ति चीड़ हो गई। प्रकोप से बच नहीं सकता। सुना तूने?